कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हम तीन कलाकारों की बातें करेंगे। अभिनेत्री रेखा, जिनका आज जन्मदिन है, जाने माने अभिनेता और फिल्मकार गुरुदत्त, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और पार्श्व गायक जगजीत सिंह, उनकी याद का दिन भी आज ही है। तीन बड़े कलाकार जिन्होंने अपनी कला से हमें दिए चंद यादगार लम्हे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गुरुदत्त हिंदी फिल्मों के लिए एक आइकन थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छे निर्देशक की समझबूझ तो थी ही, वो एक अच्छे निर्माता और अभिनेता भी थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि गुरुदत्त के सिनेमा की सबसे बड़ी खासियत थी, उन्होंने नितांत निजी सामाजिक संवेदनाओं को इस कदर आयाम दिया कि समाज के किसी भी वर्ग को उनकी पेशकश जरा भी असामाजिक नहीं लगी। उनके गम और अकेलेपन को लोगों ने अपना गम और अकेलापन समझा। एक और श्रोता लिखती है, प्रसिद्ध निर्देशक राज खोसला ने गुरुदत्त के दृष्टिकोण के बारे में एक बार कहा था, बारीकियों में गुरुदत्त की दिलचस्पी अद्भुत थी। उनको चिंता होती थी कहानी में समय मेरा कलाकार क्या सोच रहा है। मुझे उनकी खामोशी याद आती है, हम साथ बैठते थे पर वो घंटों कुछ नहीं बोलते थे। और अभिनेत्री रेखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत सारे श्रोताओं ने दी हैं। चलिए कार्यक्रम का करते हैं आगाज इस गाने के साथ। बताइए इस फिल्म में रेखा के हीरो कौन थे और किस फिल्म का है ये गाना।
लता मंगेशकर की आवाज में घर फिल्म का ये गाना आपने सुना। विनोद मेहरा इस फिल्म में रेखा के नायक थे, ये बात आप सभी ने पहचानी। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने वीडियो में तीन गानों की पंक्तियां बोलकर दिल के दर्द को हवा दे दी। गुरुदत्त ने जहां अपनी फिल्मों में समाज की दशा बताई, रेखा ने अपनी खूबसूरती और अभिनय के जलवे बिखेरे, और जगजीत सिंह ने गजलों का जो जादू था उनकी गजलों का, वो सिर चढ़कर बोलता है। एक श्रोता लिखती है, रेखा की आंखें और उनकी आवाज, बस ये दो चीजें काफी हैं, इसीलिए उनके आज सैकड़ों दीवाने हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि व्यावसायिक सिनेमा हो या समानांतर सिनेमा, दोनों में ही सक्रिय रही रेखा, और 1981 में फिल्म उमराव जान के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री रेखा जी को हासिल हो चुके हैं। ये बातें हमारे सभी श्रोताओं ने रेखा के बारे में लिखी हैं, और अब आ रहा है रेखा का वो गाना जिसे आप पसंद करेंगे साथ में गुनगुनाना। फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी कि इस फिल्म में रेखा के साथ कौन है जो रुपहले पर्दे पर मसीहा मोहब्बत के मारों का है गाते हैं। और उनका जन्मदिन कब आता है, सुन सुन के तेरी नजर
कर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू से दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे सभी श्रोताओं ने पहचाना कि रेखा के साथ इसमें अमिताभ बच्चन नजर आते हैं और कल्याण जी आनंद जी ने ये जो गाना बनाया है ये बहुत ही अद्भुत शैली का गाना है, ये हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि तीन महान कलाकारों को आप एक धागे में पिरोकर लाए हैं, इन तीनों को अपने अपने फन में महारत हासिल थी। जगजीत सिंह और गुरुदत्त को विनम्र श्रद्धांजलि और रेखा को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। और ये है कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना। Thank you.
हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गए। सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे श्रोताओं ने लिखा अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी, राजेश रोशन का संगीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और इसके अलावा रेखा के बारे में और जगजीत सिंह के बारे में अपने ख्यालात हमारे श्रोता लगातार लिखते चले जा रहे हैं, तो एक एक करके इन सारे कमेंट्स को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। अभी हम अगला गाना सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में पहले रेखा की बातें हम कर रहे हैं, बाद में जगजीत सिंह और उसके बाद हम गुरुदत्त की बात करेंगे। तो ये गाना सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म का ये गाना है और कौन थे इस फिल्म के निर्देशक। और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
पिघलते तेरी बाहों में है जानम मेरे जीस मुझा पिघलते ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं हो ओ तू बदन है मैं हूं छाया तू ना हो तो मैं कहां हूं मुझे प्यार किसी राह भी निकलते हो हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते ये मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी ये कहा यूं ही साथ साथ चल
सिलसिला फिल्म का गाना था अमिताभ बच्चन और रेखा, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाजें, अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया था। और अब कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल की बारी है, हम अभी हाजिर होते हैं। से आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम, और अब आगे बढ़ने की बारी है। हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि जगजीत सिंह के बारे में एक मशहूर लेखक ने लिखा था कि जगजीत सिंह की खूबसूरती किसी भी अभिनेता से कम नहीं थी और इंसानियत की मिसाल कूट कूट कर भरी थी। पीर पैगंबर की तरह वो बस मोहब्बत लुटाना जानते थे। ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइए।
बंधन। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कर तू ये रीत अमर कर दू, नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दू। सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छन काती तुम आ जाओ देकर अपनी, संगीत अमर कर दो संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे सिंह की आवाज में इंदीवर का लिखा प्रेम गीत फिल्म का ये गाना आपने सुना और हमारे सभी श्रोताओं ने इस गाने को बहुत ही पसंद किया है। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि वो एक संस्था में जगजीत सिंह की बहन के साथ काम करते रहे और इंदीवर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। चलिए अब एक और श्रोता का कमेंट है, जगजीत सिंह की आवाज़ में एक अलग ही आकर्षण है, उनकी आवाज़ सीधे लोगों के दिलों की गहराइयों तक पहुँच जाती है। अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, इस गाने की फिल्म का नाम और जगजीत सिंह की सह गायिका का नाम भी बताइएगा। देखा तो ये ख्याल आया
जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें थीं साथ साथ फिल्म में। ये गाना था फारूक शेख और दीप्ति नवल पर फिल्माया गया था। ये सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी और अब आ रहा है कार्यक्रम का अगला गाना। आपको फिल्म का नाम और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये बताना है। इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को, इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आप
के कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर। इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बता दें। प्यासा फिल्म का गीत गुरुदत्त और माला सिन्हा पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गुरुदत्त मेरी माँ के फेवरेट हीरो थे। आमतौर पर कुर्ता धोती और चश्मा पहनते थे। उन दिनों फिल्मी कलाकार ओपन कार चलाते थे। उन्हें गीता दत्त के साथ देखा था मेरी माँ ने। और इसके अलावा एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि इतने नए नए और विविध विषयों पर प्रस्तुति देना और तैयारी करना एक मुश्किल काम है। गुरुदत्त के बिना भारतीय सिनेमा अधूरा है। प्यासा, कागज के फूल जैसे संवेदनशील फिल्मों के साथ साथ बाजी, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी के लिए भी हम उनके कृतज्ञ हैं। दूसरी तरफ जगजीत सिंह ने गजलों को आम आदमी तक पहुंचाया और रेखा संघर्ष सुंदरता और प्रतिभा का जीवंत उदाहरण है। चलिए गुरुदत्त का अगला गाना। आपको फिल्म का नाम है बताना। जाएंगे कहां तुझ का नहीं चल पड़े
कागज के फूल फिल्म का ये गीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि वहीदा रहमान, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीता दत्त की आवाज ये। और एक श्रोता लिखते हैं कि जगजीत सिंह गुरुदत्त को याद करते हुए और रेखा जी के जन्मदिन पर इन तीन महान अनुभूतियों की विभूतियों की बातें, उनके अनुभव और गीत आज के KBKG कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आभार। और अब गुरुदत्त के अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है और किस फिल्म का है? नादान है बकियन का, बकियन बकियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान है बकियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। एक श्रोता लिखते हैं कि गुरुदत्त भारतीय सिनेमा के एक ऐसे नक्षत्र हैं जो अपने प्रकाश से संपूर्ण सिनेमा को प्रकाशित करते रहेंगे। वो ऐसे पुष्प हैं जो अपनी मानवीय संवेदनाओं के सौरभ से सदैव सुरभित रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता ये
लिखते हैं कि गुरुदत्त ने गीत संगीत की चाशनी में डूबी यथार्थ से एकदम नजदीक खट्टी मीठी कहानियों पर फिल्में बनाई और सीधे सच्चे संवेदनशील चरित्रों से हमें मिलवाया और जिंदगी से रूबरू करवाया। चलिए अगले गाने की तरफ पढ़ते हैं। इस गाने की फिल्म का नाम बताइएगा। हुआ ऐसा जादू, तबीयत तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत हालत बदल बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। कल तक हमारा न पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा न पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत बदल बदल गई। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना है, ये सभी ने पहचाना। और अब जब बातें गुरुदत्त की हो रही हो तो आखिरी गाना होता है ये। फिल्म का नाम बताइए। आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना, बातें कल जाए जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना, बातें कल जाए जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। जाते हो तुम आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना, बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। भरोसा फिल्म का ये गाना था। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।